इंदौर में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में आम जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। घर से गायब हुई 4 साल की बच्ची की लाश रविवार सुबह एमजी रोड थाने के सामने नाले के किनारे मिली थी, जिसके बाद शहर में वाल्मीकि समाज ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शनिवार को राजवाड़ा पर विरोध दर्ज कराने के बाद आज वाल्मीकि समाज ने डीआईजी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान रीगल चौराहे पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने धरना देते हुए रास्ते को जाम भी कर दिया। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना था कि आरोपी एक बार पहले भी अपराध कर चुका था तो उसे क्यों छोड़ा गया, और जब परिवार ने पुलिस में बच्ची के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी तो पुलिस के द्वारा तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई। समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब बच्ची की लाश थाने से चंद कदम दूर मिल सकती है तो समय रहते यदि पुलिस बच्ची को ढूंढने का प्रयास करती तो उसकी जान बच सकती थी। फिलहाल इस मामले में समाज के पदाधिकारी आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन के दौरान आम जनता से भी प्रदर्शन करने के लिए लोगों की कहा सुनी हुई। कुछ महिलाओं ने कार से उतरकर इस तरह के सड़क जाम का विरोध किया। 25 तारीख के दिन किडनैप हुई थी और जिसकी निर्मम तरीके से हत्या हो चुकी है हमारे समाज की बालिका, उस बालिका के हत्यारे को अभी तक के पकड़ा नहीं गया है और आज हम यहाँ पर आए हैं डीआईजी साहब को ज्ञापन देने के लिए कि उस हत्यारे को पकड़कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको फांसी की सज़ा जल्द से जल्द दी जाए और उसे पकड़ने के बाद जेल में रख कर के खिलाया पिलाने के बजाय सीधे उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब भी पेपर उठाओ हर 2-3 दिन में ऐसी घटनाएँ सामने आती है कि छोटी बच्चियों को किडनैप कर उनके साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई। तो ऐसी अपराधों को रोकने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, ये बहुत जघन्य विषय है, गंभीर विषय है कि ऐसे अपराधों पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है, क्यों हमारी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, बालिकाओं को इस प्रकार नरपिशाच नोच रहे हैं और ऐसे नरपिशाचों को खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, सख्त से सख्त गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है जिससे कि ऐसे नरपिशाचों के रूह भी कांप जाए, ऐसी सजा इन्हें दी जाए। और अपने को रतलाम पुलिस से सूचना प्राप्त हुई है जिसमें कि जो फरार आरोपी है 30,000 का, जिसने कि एक बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का जो आरोपी है थाना द्वारकापुरी का हनी, उसको रतलाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फोटोज रतलाम पुलिस ने जो शेयर की थी वो मैच हो रही है, कह सकते हैं कि वो हिरासत में। यहाँ से टीम गई, रवाना हुई है या रतलाम पुलिस लेके खुद आ रही है? यहाँ से थाना प्रभारी द्वारका पुरी स्वयं रवाना हुए और आशा है कि जल्दी से उनको यहाँ से लेकर आ जाएगा।